तो देखेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर टू है इसका कंप्लीट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बनाया गया है तो यहाँ पर जो भी आप लोग अदर स्टेट के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के इंड तक जरूर देखिए जिससे आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो है कम्प्लीट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन को ध्यान से देखिए यह हमारा बोल रहा है कि एम्फीबियंस एमोंग प्लांट्स बिलोंग टू ऑप्शन नंबर ए है एलगी और ऑप्शन नंबर बी है ब्रायोफाइट्स ऑप्शन नंबर सी है फंजाई और ऑप्शन नंबर डी है टेरिडोफाइट्स तो सभी लोग जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स एक ऐसा प्लांट होता है जो कि वाटर में भी पाया जाता है मीन्स एक्वेटिक भी होता है और वाटर के बाहर जो लैंड होता है वहां पर भी जो है ब्रायोफाइट्स जो है उसके पास कैपेसिटी होता है ग्रो करने के लिए सर्वाइव करने के लिए इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर वन का बी नंबर जो कि ब्राओ फाइट्स होगा अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ क्वेश्चन नंबर टू जो है इसमें बोल रहा है कि फेदरी एस्टिग्मा ऑकर्स इन ऑप्शन नंबर ए है पी ऑप्शन नंबर बी है वीट ऑप्शन नंबर सी है दतुरा और ऑप्शन नंबर डी है कैसेलिपिनिया तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर टू है इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर जो कि कैसेलिपिनिया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री और इसमें बोल रहा है कि वेन द एंथर्स एंड एस्टिग्मा इन एन आ, इंटर सेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम इट इज़ नोन एज ऑप्शन नंबर ए है एलोगैमी ऑप्शन नंबर बी है डाइकोगैमी ऑप्शन नंबर सी है होमोगैमी और ऑप्शन नंबर डी है सीनगैमी तो क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि होमोगैमी होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर और इसमें बोल रहा है कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स यूनिसेक्सुअल मेल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए है पिस्टिलेट ऑप्शन नंबर बी है मोनोसियस ऑप्शन नंबर सी है डायोसियस और ऑप्शन नंबर डी है स्टामिनेट तो जो क्वेश्चन नंबर फोर है इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा जो कि स्टामिनेट होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टामिन इज ऑप्शन नंबर ए है एंथर ऑप्शन नंबर बी है फिलामेंट ऑप्शन नंबर सी है कनेक्टिव ऑप्शन नंबर डी है ओव्यूल तो हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि एंथर होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स और यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्लावर ऑर्गेंस हैव इवोल्ड फॉर्म मोडिफाइड ऑप्शन नंबर ए है लीव्स ऑप्शन नंबर बी है ब्रांचेज ऑप्शन नंबर सी है स्प्रॉन्जिया ऑप्शन नंबर डी है एपिकल मेरी स्टेम्स तो जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि लिव्स होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछ रहा है कि पैलियोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑप्शन नंबर ए है पॉलन ग्रेन्स ऑप्शन नंबर बी है पाल्स ऑप्शन नंबर सी है फ्लावर्स ऑप्शन नंबर डी है फ्रूट्स तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह डी नंबर होगा फ्रूट्स होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट और एट नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि ए मोनोथिकस एंथर ए मोनोथिकस एंथर विद टू माइक्रो एस्प्रॉन्जिया इज फाउंड इन ऑप्शन नंबर ए है ब्रासिका ऑप्शन नंबर बी है कोरिएंडर्स ऑप्शन नंबर सी है लेगुमस ऑप्शन नंबर डी है हिबिस्कस तो जो क्वेश्चन नंबर एट है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा जो कि ब्रासिका होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन और क्वेश्चन नंबर नाइन में बोला है कि मैचूरेशन ऑफ गाइनेशियम बिफोर एंथर्स ऑफ द सेम फ्लावर इज ऑप्शन नंबर ए है प्रोटोजेनी ऑप्शन नंबर बी है प्रोटो एंड्री ऑप्शन नंबर सी है हेटेरोमी और ऑप्शन नंबर जो डी है वह है आटोगैमी तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि प्रोटोजेनी होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन और जो क्वेश्चन नंबर टेन है यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर जेनरली डॉट 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 ऑप्शन नंबर ए है लाइट वेट ऑप्शन नंबर बी है स्टैंडर्ड स्टंटेड है ऑप्शन नंबर सी है ब्राइटली कलर्ड ऑप्शन नंबर डी है ब्लूम इन क्लस्टर्स तो जो क्वेश्चन नंबर टेन है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि स्टंटेड होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इलेवन और क्वेश्चन नंबर इलेवन में पूछ रहा है कि वेन ए फ्लावर इज ब्राइटली कलर्ड एंड सीक्रिट्स नेक्टर इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन नंबर ए है पॉलिनेटेड बाई विंड ऑप्शन नंबर बी है पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट्स ऑप्शन नंबर सी है एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और ऑप्शन नंबर डी है स्ट्राइल फ्लावर जो क्वेश्चन नंबर इलेवन है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट्स होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व और क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व भी, भी काफ़ी आसान है और इसमें बोल रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाज डिस्कवर्ड बाई तो नाम बताना है उनका जिन्होंने जो है पता किया था कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि कैमरिरस होगा तो आप लोग नाम याद रखेंगे कैमरेरस का जिन्होंने जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता लगाया था फ्लावरिंग प्लांट्स में तो कैमेरिरस जो है इसको आप लोग याद रखिएगा अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो थर्टीन है या हम लोगों से पूछ रहा है कि फंक्शन ऑफ टेपिटम इज ऑप्शन नंबर ए है प्रोटेक्टिव ऑप्शन नंबर बी है न्यूट्रिटिव ऑप्शन नंबर सी है रेस्पायरेटरी और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी तो जो क्वेश्चन नंबर थर्टीन है हमारा इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि न्यूट्रिटिव होगा अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तरफ बढ़ते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है इसमें बोला है कि वन ऑफ द फ्लोइंग इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन इज ऑप्शन नंबर ए है कोरोला ऑप्शन नंबर बी है मैच्योर ओव्यूल ऑप्शन नंबर सी है कैलिक्स और ऑप्शन नंबर डी है फ्रूट जो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा मैच्योर ओव्यूल होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चन टू थाउजेंड नाइनटीन में जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया है तो इसमें बोल रहा है कि गाइनोसियम इज मेड अप ऑफ ठीक है बताना है हम लोगों को क्या बताना है तो गाइनोसियम इज मेड ऑफ आप ऑफ आप। ऑप्शन नंबर ए है स्टिग्मा ऑप्शन नंबर बी है स्टाइल ऑप्शन नंबर सी है ओवरी और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ एव तो सभी लोग जानते हैं कि गायनोशियम जो होता है वह जो है उसमें स्टिग्मा होता है स्टाइल होता है ओभरी होता है जो कि जो जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनका जो फीमेल पार्ट होता है उसको गाइनोसियम बोला जाता है तो यहाँ पर स्टिग्मा स्टाइल ओभरी तीनों जो है आ जाता है गाइनोसियम में इसीलिए जो है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा ऑल ऑफ एबॉव होगा नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन और क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में बोल रहा है कि इन ए फुली डेवलप्ड मेल गैमिटोफाइट क्या बोला है इन ए फुली डेवलप्ड मेल गैमिटोफाइट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज तो इसमें हम लोगों को बताना है कि जब फुली डेवलप्ड मेल गैमिटोफाइट हो जाता है तो उसमें जो न्यूक्लियाई होता है उसका नंबर कितना होता है तो यह हम लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है तो थ्री नंबर होता है उस न्यूक्लियाई का आप लोग याद रखिएगा अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन भी काफ़ी आसान है और इसमें बोल रहा है कि इफ एन इंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एनजीओ स्पर्म कंटेंस ट्वेंटी फोर क्रोमोजोम्स द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन ईच सेल ऑफ द रूट विल बी अब देखिए इसमें बोला है कि इंडो का जो सेल होता है कोई भी एनजीओ स्पर्म है उसमें ट्वेंटी फोर क्रोमोजोम्स है तो अब हम लोग को बताना है कि इसके रूट के प्रत्येक सेल में कितना क्रोमोजोम होगा तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा सिक्सटीन होगा ठीक है तो आप लोग इसको याद रखिएगा सिक्सटीन जो है इसका करेक्ट करेक्ट आंसर होगा इसको निकालने के लिए है कि इंडो में थ्री एन होता है यहाँ पर ट्वेंटी फोर दिया गया है तो एक वो एन का जब आप लोग निकालेंगे तो सिक्सटीन जो है सॉरी यहाँ पर जो है यहाँ पर जब सेल की बात आएगी जो कि क्रोमोजोम्स रूट के सेल में कितना होगा तो हमारा सिक्सटीन ही होगा तो आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वह सी नंबर होगा सिक्सटीन होगा ठीक है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टीन को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर एट्टीन भी जो है यह भी काफ़ी जो है यहाँ पर सेल के ऊपर है क्वेश्चन और यह एन में दे भी दिया भी रखा है कि द फीमेल गैमिटोफाइट ऑफ ए टिपिकल डाइकऑट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ऑप्शन नंबर ए है एट सेल्ट बी है सेवन सेल्ड ऑप्शन नंबर सी है सिक्स सेल्ड ऑप्शन नंबर डी है फाइव सेल्ट तो जो क्वेश्चन नंबर एटीन है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा सेवन सेल्ड होगा तो आप लोग याद रखिएगा सेवन सेल्ड को नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है हाउ मेनी मियोटिक डिविजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हंड्रेड फंक्शनल मेगा स्पोर्ट्स बताना है हम लोगों को इसमें क्या बताना है तो मियोटिक डिवीजन के समय रिक्वायर्ड होता है फॉर्मेशन हंड्रेड फंक्शनल मेगा स्पोर्ट्स का तो यहां पर ध्यान से ऑप्शन को देखिए इसका करेक्ट आंसर हंड्रेड ही होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जो है इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हंड्रेड पॉलन ग्रेन्स तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह सी नंबर होगा ट्वेंटी फाइव होगा अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन को देखें क्वेश्चन नंबर जो ट्वेंटी वन है इसमें बोल रहा है कि ग्रेन्स आर आपको बताना है कि पोलन ग्रेन्स क्या होता है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह बी नंबर होगा माइक्रो एस्पोर होगा क्योंकि मेगा एस्पोर तो होगा नहीं अब माइक्रो एस्पोरोफील भी नहीं होगा माइक्रो एस्प्रोनजियम भी नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर होगा माइक्रो एस्पोर जो हमारा पोलन ग्रेन्स होता है वो क्या होता है माइक्रोस्पोर होता है इसको आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है द डिपोजिशन ऑफ पॉलिन ग्रेन्स इन द स्टिग्मा ऑफ एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए है डाइकोगैमी ऑप्शन नंबर बी है जिटनोगैमी ऑप्शन नंबर सी है जेनोगैमी और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोगैमी तो जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि जिटनोगैमी होगा ठीक है आप लोग जिटनोगी को जो है याद रखिएगा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन प्लांट्स बाय तो कैमरिरस का नाम आप लोग को याद रखने के लिए बोले थे शुरू में भी एक क्वेश्चन था तो उस समय जो है वह क्वेश्चन में था कि कैमरिरस जो है इन्होंने जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा था फ्लावरिंग प्लांट्स में वह जो है डिस्कवर किया था कैमेरिरस और इसका जो करेक्ट करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का वह डी नंबर होगा नवाशिन तो नवाशिन ने क्या किया तो नवासचिन ने जो है रिपोर्टेड किया क्या तो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फर्स्ट रिपोर्टेड करने वाले जो थे वह नवाशिन थे और अगर यहाँ पर पूछा रहता कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है प्लांट्स में फ्लावरिंग प्लांट्स में वह डिस्कवर करने वाले कौन थे तो कैमरिरस थे तो आप लोग इसको याद रखेंगे और नेक्स्ट जो है हम लोग अब क्वेश्चन को देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का वह है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन uh, नंबर जो ट्वेंटी uh, फोर है इसको हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग इसको याद रखिएगा तो फाइनली क्वेश्चन नंबर जो ट्वेंटी थ्री है इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा नवाश्चिन हो जाएगा तो आप लोग नवाश्चिन को जो है याद रखेंगे अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर को देखते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है यह हम लोगों से पूछ रहा है क्या पूछ रहा है तो कह रहा है कि द टीशू विच अटैचेज द ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी इज ऑप्शन नंबर ए है फ्यूनिकल ऑप्शन नंबर बी है हाइलम ऑप्शन नंबर सी है प्लासेंटा और ऑप्शन नंबर डी है चैलेजा तो जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि प्लासेंटा होगा अब नेक्स्ट जो है हम लोग अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव बोला है कि पॉइंट आउट द ऑड वन ऑप्शन नंबर ए है आर्चेस आर ऑप्शन नंबर बी है ऊगोनियम ऑप्शन नंबर सी है ओव्यूल और ऑप्शन नंबर डी है एंथ्रीडियम तो जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि ओव्यूल होगा अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इसमें बोल रहा है कि माइक्रोपाइल इज फाउंड इन ऑप्शन नंबर ए है ओव्यूल ऑप्शन नंबर बी है सीड ऑप्शन नंबर सी है ओव्यूल एंड सीड बोथ और ऑप्शन नंबर डी है फ्रूट तो जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह सी नंबर होगा ओव्यूल एंड सीड बोथ होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन तो जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है इसमें बोला है कि फीमेल गैमिटोफाइट इज रिप्रजेंटेड बाई ऑप्शन नंबर ए है ओव्यूल ऑप्शन नंबर बी है इम्ब्रियोसैक ऑप्शन नंबर सी है मेगा मदर सेल ऑप्शन नंबर डी है मेगा तो जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि इम्ब्रियोसैक होगा नेक्स्ट आया हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट में बोला है कि द फीमेल गैमिट ऑफ एनजीओ स्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाई ऑप्शन नंबर है ए ऑप्शन नंबर बी है कार्पेल ऑप्शन नंबर सी है पॉलिन ग्रेन और ऑप्शन नंबर डी है वो स्पोर तो जो एनजीओ स्पर्म होता है उसमें जो फीमेल गैमिट को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है तो वह जो है एग के द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया जाता है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का करेक्ट आंसर फाइनली ए नंबर होगा एग होगा तो आप लोग एग को याद रखिएगा एनजीओ स्पर्म में फीमेल गैमिट

कि दी हैप्लोइड सेल विच डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म इम्ब्रायोसैक इज और यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन है मेगा मदर सेल ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑप्शन नंबर सी है फंक्शनल मेगा और ऑप्शन नंबर डी है नॉन फंक्शनल मेगा तो जो क्वेश्चन नंबर थर्टी है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह सी नंबर होगा फंक्शनल मेगा होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी और क्वेश्चन नंबर थर्टी में बोला है लार्जेस्ट सेल इन द ओव्यूल इज ऑप्शन नंबर ए है एमएमसी ऑप्शन नंबर बी है एंटीपोडल ऑप्शन नंबर सी है सेंट्रल सेल और ऑप्शन नंबर डी है साइज ऑफ सेल्स वेरिएबल तो जो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह सी नंबर होगा सेंट्रल सेल होगा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू और क्वेश्चन नंबर थर्टी टू में बोला है कि वेन एंथर एंथर्स एंड स्टिग्मा इज एन इंटरसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स द कंडीशन इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए है डिक्लिनी ऑप्शन नंबर बी है डाइकोगैमी ऑप्शन नंबर सी है हेरकोगैमी और ऑप्शन नंबर डी है क्लिस्टोगैमी तो जो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि डाइकोगैमी होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री और क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री में बोला है कि ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑप्शन नंबर ए है वीट ऑप्शन नंबर बी है टोमेटो ऑप्शन नंबर सी है पोटैटो और ऑप्शन नंबर डी है मेज तो जो क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा जो कि मेज होगा अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी जो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है इस क्वेश्चन में बोला है कि फॉर सेल्फ पॉलिनेशन ए फ्लावर शुड बी ऑप्शन नंबर ए है एसेक्सुअल ऑप्शन नंबर बी है मोनोसेक्सुअल ऑप्शन नंबर सी है यूनिसेक्सुअल और ऑप्शन नंबर डी है बाईसेक्सुअल तो जो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा जो कि बाईसेक्सुअल होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंथर रिप्रेजेंट्स ऑप्शन नंबर ए है एस्प्रोनजियम स्पोरोगोनियम है ऑप्शन नंबर बी है मेल गैमिटोफाइट। ऑप्शन नंबर सी है मेल स्पोरोफिल और ऑप्शन नंबर डी है एस्पोरेंजियम तो जो क्वेश्चन नंबर 35 है इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर जो कि मेल स्पोरोफिल होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 और इस क्वेश्चन में पूछा है कि द डेवलपिंग पॉलेन डराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए है टैपेटम ऑप्शन नंबर बी है एंडोथेसियम ऑप्शन नंबर सी है मिडिल लेयर्स और ऑप्शन नंबर डी है एसएमसी तो जो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है इसका करेक्ट आंसर ये नंबर होगा जो कि टैपिटम होगा अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन को जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रहा है कि पॉलिन ग्रेन्स आर नॉन ग्रीन ड्यू टू ऑप्शन नंबर ए है एबसेंस ऑफ प्लास्टिड्स ऑप्शन नंबर बी है डिजेनरेशन ऑफ प्लास्टिड्स ऑप्शन नंबर सी है कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड्स इंटू क्रोमो ऑप्शन नंबर डी है एट्रैक्शन ऑफ हैक्टर्स तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा एब्सेंस ऑफ प्लास्टिड्स होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफ़ देयर आर Only फोर एस एस्प्रोजीनस सेल्स इन आयर एंड थर्ड द नंबर ऑफ पोलेंड्रेन्स विल बी तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि सिक्सटीन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन और इसमें बोल रहा है कि पोलवाइडी इन ए पॉलन ग्रेन उसके बाद दिया है साइप्रस और यहाँ पर जो है दो जो है चीना दिया है बराबर का तो इसका इज तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि एन होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी और क्वेश्चन नंबर फोर्टी में बोल रहा है क्या बोल रहा है कि पॉलिन ग्रेन्स इज रिलेटेड टू इम्ब्रियो एज तो इसमें हम लोग को बताना है कि जो पॉलिन ग्रेन्स होता है उसमें रिलेटेड होता है इम्ब्रियोसेक से ऑप्शन नंबर ए जो है वह दिया है कि स्पर्म टू एग ऑप्शन नंबर बी है मेल गैमिटोफाइट टू फीमेल गैमिटोफाइट और ऑप्शन नंबर सी है मेल गैमिटोफाइट टू एग और ऑप्शन नंबर डी है एसपर्म टू फीमेल गैमिटोफाइट तो जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि मेल गैमिटोफाइट टू फीमेल गैमिटोफाइट होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन और क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन में बोल रहा है कि हाउ मैनी पॉलन मदर सेल्स विल फॉर्म वन थाउजेंड पॉलन ग्रेन्स तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि टू हंड्रेड फिफ्टी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू और क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू में बोल रहा है कि द माइक्रो एस्पोर मदर सेल इन ए पॉलन सेक ऑफ एंथर इज ऑप्शन नंबर ए है डिप्लोइड ऑप्शन नंबर बी है हैप्लोइड ऑप्शन नंबर सी है ट्रिप्लोइड और ऑप्शन नंबर डी है तो so, जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि डिप्लोइड होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री में बोल रहा है कि पोलिन ग्रेन विद पॉलिन ट्यूब रिप्रेजेंट्स ऑप्शन नंबर ए है मेल स्प्रोफाइट ऑप्शन नंबर बी है मेल गैम्बिटोफाइट और ऑप्शन नंबर सी है फीमेल एस्प्रोफाइट और ऑप्शन नंबर डी है फीमेल गैमिटोफाइट तो जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि मेल एस्प्रोफाइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर जो है इसमें बोल रहा है कि हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर रिप ए मैच्योर पॉलन ऑप्शन यहां पर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए ए में बोल रहा है कि वन ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें टू और ऑप्शन नंबर सी में थ्री और ऑप्शन नंबर डी में फोर तो जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि टू होगा क्योंकि बात यहाँ पर उठता है कि जो मैच्योर पॉलिन है उसमें न्यूक्लियाई कितना परजेंट रहता है वो बताना है तो जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि टू होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव और क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव में बोल रहा है कि पॉलेन ग्रेन्स आर एलो ड्यू टू जो पॉलेन ग्रेन्स है वह एलो है आ, उसका कारण क्या है बताना है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फोर ऑप्शन इसमें से जो हम लोग को चूज करना है तो सल्फर तो होगा नहीं क्रोमो प्लास्ट भी नहीं होगा ईटी लो भी नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ये नंबर जो कि फ्लैबोनवाइड्स एंड कैरोटिन होगा इसी दो जो है फेलेबिनोड्स एंड कैरेटिनोइड्स के परजेंस के कारण जो है पोलन ग्रेन्स का कलर जो है येलो होता है तो आप लोग इसको याद रखेंगे फेलेबिनोइड्स एंड कैरेटिनोइड्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स और क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स में बोल रहा है कि साइटोप्लाज्मा ऑफ पोलन ग्रेन इज रिच इन ऑप्शन नंबर ए है फैट एंड स्टार्च ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन ऑप्शन नंबर सी है स्टार्च एंड फ्लेवोनोइड्स और ऑप्शन नंबर डी है डीएनए तो जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि फैट एंड स्टार्च होगा क्योंकि बात उठता है कि पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है तो पॉलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म में फैट एंड स्टार्च जो है रिच अमाउंट में पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन है और क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन में बोल रहा है कि क्रॉस पॉलीनेशन इज प्रिफर्ड ओवर सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज इट ऑप्शन नंबर ए है प्रोड्यूसेज बेटर ऑफ स्प्रिंग ऑप्शन नंबर बी है फॉर्म्स न्यू वैराइटीज ऑप्शन नंबर सी है इंड्यूसेज पार्थिनोजेनेसिस ऑप्शन नंबर डी है इज इकोनॉमिकल जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि प्रोड्यूसेज बेटर ऑफ स्प्रिंग होगा अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट को देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट है इसमें बोल रहा है कि एनिमोफिली ऑकर्स इन ऑप्शन नंबर ए है साल्विया ऑप्शन नंबर बी है भैलीसनेरिया और ऑप्शन नंबर डी सी है कोकोनट ऑप्शन नंबर डी है बोटल ब्रश तो जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट है इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि कोकोनट होगा एनिमोफिली जो होता है यह जो है कोकोनट में होता है पोलिनेशन है एनिमोफिली जो कि कोकोनट में होता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन और क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन में बोल रहा है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडर गोज होर ऑप्शन दिया गया है इसमें से हम लोग को चूज करना है ऑप्शन नंबर ए है वन म्योटिक डिवीज़न ऑप्शन नंबर बी है वन माइटोटिक डिवीज़न ऑप्शन नंबर सी है वन म्योटिक एंड वन माइटोटिक डिवीजन और ऑप्शन नंबर डी है वन म्योटिक एंड टू माइटोटिक डिवीजन तो जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन है इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा जो कि वन म्योटिक एंड टू माइटोटिक डिवीजन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी में हम लोगों से बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग विल हेल्प इन मेकिंग ईयरली जर्मिनेशन ऑफ पॉलिंग ऑन स्टिग्मा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह हमारा सी ए प्लस प्लस होगा मतलब सी ए प्लस टू कहिए तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा सी ए प्लस टू नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन और क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन में बोल रहा है कि ऑक्जीज कंटेंट इन पॉलन ग्रेन्स एस्टूमिलेट ग्रोथ ऑफ ऑप्शन नंबर ए है पॉलेंड ट्यूब एज वेल एज ओवरी ऑप्शन नंबर बी है वनली पॉलेंड ट्यूब ऑप्शन नंबर सी है वनली ओवरी और ऑप्शन नंबर डी है मेल गैमिट्स जो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि पॉलेंड ट्यूब एज वेल एज ओवरी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू और क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू में बोल रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल डाईकॉट इम्ब्रायोसैक इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा थ्री प्लस टू प्लस थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री और इसमें बोल रहा है कि टैपिटम विच डेवलप्स इन टू ओ ओ कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए है एमीबॉय टेपिटम ऑप्शन नंबर बी है ग्लैंडुलर टेपिटम ऑप्शन नंबर सी है एंटीगुमिनेटरी टेपिटम ऑप्शन नंबर डी है फ्लैजेलर टेपिटम क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि एंटीगुमिनेटरी टेपिटम होगा हमारा जो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर है यहाँ पर कलर हम लोग चेंज कर लिए येलो रख लिए तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर और इसमें बोल रहा है कि इन एंजियो स्पर्म्स ऑल द फोर माइक्रो एस्पोर्स ऑफ ए टेट्राड आर कवर्ड बाई ए लेयर फॉर्मड ऑफ ऑप्शन नंबर ए है सेलुलोज ऑप्शन नंबर बी है एस्प्रोपोलिन ऑप्शन नंबर सी है पेक्टोज और ऑप्शन नंबर डी है कैलोज तो जो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर है इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा जो कि कैलोज होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहा है कि मेल गैमिटोफाइट ऑफ एंजियो स्पर्म्स मोनोकॉट्स इज ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोस्परेंजियम ऑप्शन नंबर बी है न्यूक्लियर न्यूसिलस ऑप्शन नंबर सी है माइक्रो एस्पोर और ऑप्शन नंबर डी है स्टामिन तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि माइक्रोस्पोर्स होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स और क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स में बोल रहा है कि इन फ्लावरिंग प्लांट ए मैच्योर गैमिटोफाइट इज डिराइव्ड फॉर ए पॉलन मदर सेल बाई ऑप्शन नंबर ए है थ्री माइटोसिस ऑप्शन नंबर बी है वन मियोसिस एंड थ्री माइटोसिस ऑप्शन नंबर सी है वन मियोसिस एंड टू माइटोसिस और ऑप्शन नंबर डी है सिंगल मियोसिस जो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स है इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा वन मियोसिस एंड टू माइटोसिस होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन और क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन में बोल रहा है कि केमिकली पॉलिन किट इज मेड अप ऑफ ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन्स ऑप्शन नंबर बी है लिपिड्स एंड कैरिटिनइड्स ऑप्शन नंबर सी है कार्बोहाइड्रेट्स एंड कैरिटिन और ऑप्शन नंबर डी है एसप्रोपोलिनियम जो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि लिपिड्स एंड कैरोटिनोड्स होगा अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट को देखते क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट है एंथर इज रिलेटेड टू बताना है कि एंथर किससे रिलेटेड है फोर ऑप्शन दिया गया है इसमें से हम लोग को चूज करना है ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड जो होता है उसी से जो है एंथर रिलेटेड होता है डेवलपमेंट ऑफ पॉलन से नहीं फॉर्मेशन ऑफ पॉलन से नहीं और रिसिप्सन ऑफ पॉलन बाई स्टिग्मा से भी नहीं हमारा ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड से जो है एंथर रिलेटेड होता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन और क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन में बोल रहा है कि फॉर्मेशन एंड डिफ्रेंसीशन ऑफ पोलिन ग्रेंस इन एंथर इज़ कॉल्ड बताना है कि जब फॉर्मेशन हो या डिफ्रेंसीन हो तो उसमें पोलिन ग्रेन्स का जो एंथर होता है एंथर में जो पोलन ग्रेन्स होता है उसको क्या कहा जाता है तो उसको जो हम लोग क्या कहते हैं माइक्रो एस्प्रोजेनेसिस कहते हैं एंथर में जब फॉर्मेशन फौर, होता है ग्रेन्स का तो इसको जो है हम लोग माइक्रो एस्प्रोजेनेसिस कहते हैं इसको आप लोगों को याद रखना है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी और क्वेश्चन नंबर सिक्सटी में बोला है कि ये डायथिकस एंथर कंटेंस जो डायथिकस एंथर होता है उसमें जो है कितने माइक्रो होते हैं उसको जो है इस क्वेश्चन में बताना है तो फोर माइक्रो होता है कितना तो फोर डायोथिकस एंथर जो होता है उसमें कितने माइक्रो होता है तो फोर माइक्रो होता है इसको आप लोग याद रखिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन और क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन में बोल रहा है कि मियोसिस इन एंथर ऑकर्स इन ऑप्शन नंबर ए एं है एंडोथेसियम सेल्स ऑप्शन नंबर बी है पॉलेंस ऑप्शन नंबर सी है टैपिटल सेल्स और ऑप्शन नंबर डी है स्पोर मदर सेल्स जो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हमारा डी नंबर होगा जो कि स्पोर मदर सेल्स होगा नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू जो है यह बोल रहा है कि पॉलेन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन ऑप्शन नंबर है एंथर ऑप्शन नंबर बी है स्टिग्मा ऑप्शन नंबर सी है फिलामेंट और ऑप्शन नंबर डी है पॉलेन सैक तो पॉलेन ग्रेन्स जो है वह कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है बताना है तो वह जो है पोलिन सैक जो होता है वहां से जो है हम लोग का पोलिन ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री जो पूछ रहा है कि द पोलिन इज पोलिन क्या होता है ऑप्शन नंबर ए है हैप्लोइड ऑप्शन नंबर बी है डिप्लोइड ऑप्शन नंबर सी है ट्रीप्लोइड और ऑप्शन नंबर डी है टेट्राप्लोआइड जो हमारा पोलिन होता है वह हैप्लोइड होता है आप लोग हैप्लोइड को याद रखिएगा जो पोलिन होता है वह हैप्लोइड होता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर और क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर में बोला है कि प्रोटीनिसियस इंडोस्पर्म ऑफ मेज इज कॉल्ड प्रोटीनिसियस इंडोस्पर्म ऑफ मेज इज कॉल्ड इसमें बताना है ऑप्शन नंबर ए है एपोफाइसिस ऑप्शन नंबर बी है स्क्रिटिलम ऑप्शन नंबर सी है कोलियोफिटाइल और ऑप्शन नंबर डी है एलियोर लेयर जो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह डी नंबर होगा जो कि एलियोर लेयर होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव और क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव में बोल रहा है कि दी ओवरी ऑफ ए फ्लावर इज ऑप्शन नंबर ए है हैप्लोइड ऑप्शन नंबर बी है डिप्लोइड ऑप्शन नंबर सी है ट्रिप्लोइड ऑप्शन नंबर डी है टेटराप्लोइड तो जो फ्लावर का ओवरी होता है वह क्या होता है तो हम लोग का जो है वह डिप्लोइड कंडीशन में होता है अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स को देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स है इन एनजियो स्पर्म्स द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन ऑप्शन नंबर ए है न्यूसिलस ऑप्शन नंबर बी है इम्ब्रायोसैक ऑप्शन नंबर सी है ओभरी और ऑप्शन नंबर डी है ओभ्यूल तो जो एनजीओ स्पर्म्स होता है उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वह कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है बताना है जो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स है इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग का बी नंबर जो कि सैक होगा जो सैक होता है वहीं पर जो है एनजीओ स्पर्म फर्टिलाइजेशन होता है अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन और क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन में बोला है कि दी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन इन एनजीओ स्पर्म्स आर ऑप्शन नंबर ए है टू ऑप्शन नंबर बी है थ्री ऑप्शन नंबर सी है फोर और ऑप्शन नंबर डी है फाइव जो क्वेश्चन 67 है इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा जो कि फाइव होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट और क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट में बोला है कि फ्यूजन ऑफ वन मेल वन ऑफ मेल गैमिट विद एग न्यूक्लियस इज कॉल्ड बताना है क्या बताना है तो जब फ्यूजन होता है वन मेल गैमिट का एग uh, के साथ एग न्यूक्लियस के साथ उसको क्या कहा जाता है तो जो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट है इसका करेक्ट आंसर होगा जेनेटिव फर्टिलाइजेशन और सीनगैमी ये दोनों कहा जाता है विजिटेटिव फर्टिलाइजेशन तो नहीं कहा जाता है तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन में बोथ एंड भी दिया है तो यही करेक्ट आंसर होगा आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन को देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन है इसमें बोला है कि द फीमेल गैमिटोफाइट सैक ऑफ ए टिपिकल डाइकॉट पॉलीगोनम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज यहां पर बताना है तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा एट न्यूक्टेड एंड सेवन सेल्ड सेवन न्यूक्टेड वाला भी नहीं होगा एंड एट सेल्ड वाला फोर न्यूक्टेड एंड फोर सेल्ड वाला भी नहीं होगा एट न्यूक्टेड एंड एट सेल्ड वाला भी नहीं होगा अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवनटी को देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटी है कि पॉलिनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिनेशन किसका करेक्ट्रिस्टिक्स है यह हम लोगों को बताना है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप फाइट्स एंड एनजियो स्पर्म्स तो इसमें भी तो पॉलिनेशन नहीं होता है टेरीडियोफाइट्स एंड एंडियो स्पर्म्स तो टेरिडोफाइट्स में नहीं होता है उसके बाद एनजियो स्पर्म्स एंड जिमनो इस्स्पर्म्स तो यहाँ पर पॉलिनेशन होता है एनजियो स्पर्म्स एंड फंजाई में जो है पॉलिनेशन नहीं होता है तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी जो है इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि एनजीओ स्पर्म्स एंड जिम्नो होंगे अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन में बोला है कि प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन ऑप्शन नंबर ए है सो इज हाई डिग्री ऑफ वेरिबिलिटी एंड इज इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर बी है इज ए स्ट्राइल ऑप्शन नंबर सी हैज रेसेसिव करेक्टर्स ऑप्शन नंबर डी है इज होमोजागस विद फिनोटापिक यूनिफॉर्मिटी जो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन है इसका करेक्ट आंसर ये नंबर होगा जो कि सोज हाई डिग्री ऑफ वेरेबिलिटी एंड इज एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट होगा अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू और क्वेश्चन सेवेंटी टू में बोला है कि पॉलिनेशन ऑकर्स पोलिनेशन ग्रेन ऑप्शन नंबर ए है रिलीज इट्स एस्पर्म्स न्यूक्लियाई ऑप्शन नंबर बी है लैंड स्टिग्मा ऑप्शन नंबर सी है नेचर्स सॉरी मैच्योर्स एंड हैज थ्री न्यूक्लियाई और ऑप्शन नंबर डी है रिलीज इट एस्पर्म्स न्यूक्लियाई एंड फर्टिलाइज द एग एंड पोलर न्यूक्लियाई जो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि लैंड्स एंड ऑन स्टिग्मा होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री है कि एनिमोफिली इज पॉलिनेशन थ्रू एनिमोफिली जो है नाम से ही जैसा स्पष्ट है कि एनिमोफिली तो यहां पर बहुत लोगों को लगेगा कि एनिमल से रिलेटेड होगा लेकिन ऐसा नहीं है एनिमोफिली जो होता है वह जो है किससे रिलेटेड होता है एयर से रिलेटेड होता है ठीक है वहीं अगर इंटमोफिली की बात करें हम लोग तो इंटमोफिली पॉलिनेशन जो होता है वह इंसेक्ट से रिलेटेड होता है अब एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन होगा बर्ड्स के द्वारा होगा इंसेक्ट के द्वारा होगा सबका अपना अलग अलग नाम है इंसेक्ट के द्वारा इंटमोफीली होता है और एयर के द्वारा एनिमोफिली होता है इसको ये सब याद रखना है आप लोगों को अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव है तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव में बोला है कि क्रॉस पॉलिनेशन इज बेनिफिशियल बिकॉज इट रिजल्ट इन तो यहाँ पर जो है क्रॉस पोलिनेशन बेनिफिशियल है बिकॉज इट रिजल्ट इन तो जो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव है इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि बेटर प्रोजेनी होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स है इसमें बोला है कि द ट्रू इम्ब्रायो डेवलप्स एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ ऑप्शन नंबर ए है टू पोलर न्यूक्लियाई ऑफ इम्ब्रायो सैक ऑप्शन नंबर बी है एग सेल्स एंड मेल मेलगैमिट ऑप्शन नंबर सी है एंड मेल ऑप्शन नंबर डी है मेल मेलगैमिट एंड एंटीपोडल तो जो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि एग सेल एंड मेल गैमिट होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन और क्वेश्चन नंबर 77 सेवन काफी आसान क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच इज नॉट ए वाटर पोलुनेटेड प्लांट्स बताना है कि कौन जो है इसमें वाटर पोलुनेटेड प्लांट्स नहीं है तो देखिए यहां पर जो स्टेरा जो है यह भी वाटर पोलिनेटेड प्लांट है वाली सेनेरिया और हाइड्रीला ये सब वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स हैं लेकिन बीस की अगर बात करें हम लोग तो यह वाटर पॉलीनेटेड प्लांट्स नहीं है तो क्वेश्चन में भी पूछा है कि नॉट ए वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा जो कि कैनाबिस होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी और क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट में बोल रहा है कि स्पाइनी और स्टिकी पॉलन ग्रेन्स एंड लार्ज एट्रैक्टिवली कलर्ड फ्लावर्स आर एसोसिएटेड विद ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोफिली ऑप्शन नंबर बी है एंटमोफिली ऑप्शन नंबर सी है ऑर्नीथोफिली और ऑप्शन नंबर डी है एनिमोफिली जो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट है इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा जो कि इंटमोफिली होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन और क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन में बोल रहा है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स टू इंज्योर जेनोगैमी इन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन का करेक्ट आंसर ये नंबर होगा जो कि पापाया होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट्टी और क्वेश्चन नंबर एट्टी में बोला है कि इंडो एस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन ऑप्शन नंबर ए है कस्तूर ऑप्शन नंबर बी है बार्ले ऑप्शन नंबर सी है कोकोनट ऑप्शन नंबर डी है ऑल तो जो क्वेश्चन नंबर एटी है इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा जो कि ऑल होगा क्योंकि बात यहाँ पर उठता है इंडो एस्पर्मिक सीड्स को लेकर के तो जो इंडो एस्पर्मिक सीड्स होता है वह कस्तूर में भी पाया जाता है बार्ले में भी पाया जाता है और कोकोनट में भी पाया जाता है तो क्वेश्चन नंबर एट्टी का जो करेक्ट आंसर होगा वह डी नंबर होगा जो कि ऑल होगा अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 है जो बोल रहा है कि व्हिच इज द फ्लोइंग इज नॉट एन इंडो-एस्परमिक सीड ऑप्शन नंबर ए है पी ऑप्शन नंबर बी है कस्तूर ऑप्शन नंबर सी है मेज और ऑप्शन नंबर डी है वीट। तो जो क्वेश्चन नंबर 81 है इसका करेक्ट आंसर ये नंबर होगा जो कि पी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 और क्वेश्चन नंबर 82 में बोल रहा है कि द इंडो स्पर्म इन एनजीओ स्पर्म इज ऑप्शन नंबर ए हैप्लोइड ऑप्शन नंबर बी है डिप्लोइड ऑप्शन नंबर सी है ट्रीप्लॉइड और ऑप्शन नंबर डी है टेट्राप्लोआइड तो एनजियो स्पर्म में जो इंडो स्पर्म होता है वह क्या होता है वह हम लोगों को जो है इस क्वेश्चन में बताना है तो वह जो है ट्रीप्लॉइड कंडीशन में होता है मतलब थीरी एन कंडीशन में होता है तो क्वेश्चन नंबर जो एट्टी टू है इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह थ्री एन होगा तो थ्री एन को आप लोग याद रखिएगा टी डिप्लोइड हैड टू एन सॉरी हैप्लॉयड एन होता है केवल डिप्लोइड जो है वह टू एन होता है टेट्राप्लॉयड फोर एन होता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री है तो क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री बोल रहा है कि द इंडो एस्पर्म इन जिम्नो स्पर्म्स इज अब जिम्नो स्पर्म इंडो स्पर्म बताना है कैसा होता है तो इसमें जो है हैप्लॉयड होता है मतलब टू एन होता है ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर में बोल रहा है कि नंबर ऑफ क्रोम्स इन रूट सेल्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन रूट सेल इन फोर्टीन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इन सीनरजीट ऑप्शन नंबर ए है फोर्टीन ऑप्शन नंबर बी है ट्वेंटी वन ऑप्शन नंबर सी है सेवन और ऑप्शन नंबर डी है ट्वेंटी एट जो क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर है इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि सेवन होगा ठीक है नेक्स्ट आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव और क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव में बोल रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड को कोट्स ऑफ सीड डेवलप फ्रॉम ऑप्शन है एम्ब्रियोसेक ऑप्शन बी है एंटीगुमेंट्स ऑप्शन नंबर सी है ओव्यूल ऑप्शन नंबर डी है चैलेजा रीजन जो क्वेश्चन नंबर एटी फाइव है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि इंटीगुमेंट्स होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स और क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स में बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ इंटरिंग एम्ब्रायोसैक द पॉलन ट्यूब कंटेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर जो कि टू मेल गैमिट्स होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन और क्वेश्चन नंबर 87 सेवन में बोल रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ यहां पर ऑप्शन फोर ऑप्शन दिया गया है इसमें से हम लोग को जो है चूज करना है तो ऑप्शन नंबर ए है वन एग विद टू स्पर्म्स ऑप्शन नंबर बी है स्पर्म न्यूसिलस विद एग न्यूसिलस एज वेल एज इज विद पोलर न्यूक्लियाई ऑप्शन नंबर सी है वन मेल गैमिट विद एग एंड अदर मेल गैमिट विद सीनरजीड ऑप्शन नंबर डी है वन मेल गैमिट विद एग एंड अदर मेल गैमिट विद सेकेंडरी न्यूसिलस तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर एटी सेवन का वह डी नंबर होगा जो कि वन मेल गैमिट विद एग एंड अदर मेल गैमिट विद सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर एट्टी एट को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर एट्टी एट है डबल फर्टिलाइजेशन इज करेक्टिसिटिक्स ऑफ ऑप्शन नंबर ए है डाईकॉड्स एंड मोनोकॉट्स या ऑल एंजियोस्पर्म्स ऑप्शन नंबर बी है ऑल जिम्नोस्पर्म्स ऑप्शन नंबर सी है फेनरोग और ऑप्शन नंबर डी है एस्पर्मेटोफाइट्स जो क्वेश्चन नंबर 88 है इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ए नंबर होगा जो कि डाईकॉड्स एंड मोनोकॉट्स या ऑल एंजियो स्पर्म्स होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी नाइन है और एक क्वेश्चन नंबर एटी नाइन में बोल रहा है कि ट्रिपल फ्यूजन इज ट्रिपल फ्यूजन इज ऑप्शन नंबर ए है फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमिट विथ टू पोलर न्यूक् इन द इम्ब्रायोसैक ऑप्शन नंबर बी है फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमिट विद थ्री न्यूक्लियाई इन इम्ब्रायोसेक ऑप्शन नंबर सी है फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमिट विद टू सीनर्जिट्स ऑप्शन नंबर डी है थ्री फ्यूजन इन वन इम्ब्रायोसैक जो क्वेश्चन नंबर एट्टी नाइन है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमिट विद टू पोलर न्यूक्लियाई इन द इम्ब्रायोसेक होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम लोग नाइन्टी को देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी है इन विच ऑफ द फ्लोइंग एस्पेसीज ऑफ प्लांट सीड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू एपोमिक्सिस ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रेसी एंड ग्रास ऑप्शन नंबर बी है मस्टर्ड ऑप्शन नंबर सी है साइट्रस एंड मैंगो ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ डिज बताना है इसमें कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग एस्पेसीज ऑफ प्लांट सीड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू एपोमिक्सिस क्वेश्चन नंबर नाइनटी का करेक्ट आंसर ये नंबर होगा जो कि एस्ट्रेसी एंड ग्रास होगा तो आप लोग को एस्ट्रेसी एंड ग्रास को जो है याद रखना है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन टू थाउजेंड एटीन में जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन और क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस ऑकर्स इन ऑप्शन नंबर ए है ड्रोसोफिला ऑप्शन नंबर बी है हाउस फ्लाई ऑप्शन नंबर सी है हनी बी और ऑप्शन नंबर डी है ऑल तो जो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस होता है वह कहाँ पाया जाता है वह जो है हनी बी में पाया जाता है वहाँ पर जो है नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलता है जो केवल एग होता है फीमेल का उसी से जो है नया जो है आ, हनी बी जो है बन जाती है तो वह पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है हनी बी में आगे बढ़ते हैं हम लोग आप क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू है सीड विद एंडोस्पर्म इज नोन एज जो सीड का इंडो उसके साथ होता है उसको क्या कहा जाता है बताना है टू थाउजेंड ट्वेंटी में क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी ईजी क्वेश्चन भी है तो इंडो एस्पर्म यहाँ पर ऑप्शन दिया है एपोकार्पिक पोलियम ब्राइवनी इंडोकार्पिक इंडो एस्पर्मिक तो जब इंडो एस्पर्म बोल रहा है और उसके द्वारा जो सीड बना उसके साथ तो उसको जो है हम लोग क्या कहेंगे तो इंडो एस्पर्मिक कहेंगे तो आप लोग इंडो एस्पर्मिक को याद रखेगा इंडो स्पर्म और इंडो स्पर्मिक काफ़ी मिलता जुलता नाम लग रहा है तो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा जो कि इंडो एस्पर्मिक होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडो स्पर्मिक इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री और क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री जो है यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बोला है कि एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलीनेशन इज नॉट फाउंड इन बताना है कि एनिमोफिली टाइप का जो पॉलीनेशन होता है किसमें नहीं पाया जाता है वो बताना है तो यहाँ पर जब आप देखिएगा तो ग्रास जो होता है ये भी लैंड पर होता है लैंड पर पाया जाने वाला प्लांट है मेज भी लैंड पर और वीट भी जो है लैंड पर ही पाया जाने वाला प्लांट है लेकिन सालबिया का बात होता है तो सालबिया जो है इसमें एनिमोफिली टाइप का पॉलिनेशन होगा ही नहीं और इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री का वह डी नंबर होगा जो कि सालबिया होगा तो आप लोग सालबिया को जो है याद रखिएगा इस प्रकार इस हम लोग वीडियो में क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर टू था सेक्सुअल रिपोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या रिपोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स तो इसका कंप्लीट जो है हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जान गए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वेलाइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में